फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग की हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग से भी शेयर करूँ, दिखाऊँ क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी जो कि अक्सर हम लोग लाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें, इस बार कम लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं और हम लोग को जाना है बकरीद में घर, तो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लेके जाना था। तो हम लोग ने सोचा साथ ही घर का भी अभी ले लेते, नहीं तो हम लोग आके लेते। ये रहा मखाना, जो कि हम सबका सबसे फेवरेट है, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम सभी लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो ये मैंने लेके आ गई थी, ऑलरेडी मखाना रखा है, बट क्या है कि वो खाओ तो पता नहीं चलता, बस खाते जाओ। और ये है काजू, जो कि इन लोग ने खोल के खा लिए हैं इन्होंने और बच्चों ने, तो इसको मैं जार में भर दूंगी और एक और पैकेट है उसको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि बाहर रखने से प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेके आई अभी, क्योंकि फिर क्या, ज़्यादा ले आओ तो उसको मैनेज करना, रखना बहुत मुश्किल होता है। और ये A1 क्वालिटी की काजू है, आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश A1 है क्वालिटी की, बहुत अच्छी रहती, तो इनको बहुत उससे रखना होता है कि ख़राब वगैरह ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जो यूज़ की वो बाहर। और ये ले आए हैं किशमिश, जो कि ये भी A1 क्वालिटी की, ये तो ऑर्डर देके मंगाना होता है, मतलब नॉर्मली मिलती नहीं है ये, ऐसे लंबी वाली है और बहुत टेस्टी। जब उन्होंने हमको खिलाया तो हम लोग खाते रह गए, इतना अच्छा टेस्ट है इस किशमिश का। किशमिश बहुत सारी घर में रखी है, तो ये ले जाने के लिए लिए हैं और घर के लिए इन्होंने ये देखिए थोड़ी सी ले ली है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 पैकेट रखे हैं अभी घर में। मैं तो बहुत मना कर रही थी, लेकिन इन्होंने बोले नहीं, ले लेते हैं घर के। और ये है गुड़, जो कि पापा के लिए ले जाना, उन्हें बहुत पसंद है, हमारे घर में भी रखा हुआ है। और ये 2 डिब्बे ले लिए हैं ले जाने के लिए। से बहुत सारी चीज़ें मैं इनको मना करती हूँ, ज़्यादा मत लो ये सब, क्योंकि बहुत इन लोग के प्राइस होते हैं, बहुत महंगी होती, बिल बहुत ज़्यादा बनता है इन सब से, फिर भी ये ले लेते कि नहीं यूज़ की। और ये रहा मुनक्का, जो कि ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। मुनक्के बहुत सारे वैरायटी में आते हैं, जैसे कंकर वगैरह होते हैं, उतने कलर रहता है, अंदर सड़े हुए रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, बट इसमें एकदम सारे पीसेस फ्रेश हैं और मिठास और कंकर वगैरह भी नहीं है, तो इसको भी इन्होंने अच्छे से अच्छा लिए हैं। इस वजह से बहुत प्राइस चला जाता हमारा ड्राई फ्रूट्स में। और ये तरबूज के बीज हैं, जो कि कोरमा बनाने के लिए लाए हैं, और ये इतने महंगे 800 रुपये किलो हैं, तो मैंने ये एक पाव जैसे ले ली हूँ, और बहुत महंगे। और ये कोकोनट जो है, मैं अक्सर लाती हूँ वहाँ से, पूरा फोड़ के लेती हूँ, क्योंकि जब घर आओ और फोड़ो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना निकल जाए, मतलब निकल जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सारे कोकोनट वहीं फोड़वा के। और इतना अच्छे, मतलब दुकान वाले भैया की सब चीज़ें अपनी पसंद की, पैसे देंगे आप अच्छे से अच्छा, तो फिर वो चीज़ें भी अच्छे से अच्छी अपना मान के और सभी चीज़ें देंगे। तो वैसे ही उन्होंने ये भी कोकोनट सारे फोड़ के और फिर दिए डोल। और ये लिए हैं अखरोट, जो कि बहुत अच्छे हैं, और मैं बता रही हूँ इनका छिलका इतना पतला है और अंदर से इतने टेस्टी, क्योंकि अखरोट मुझे पसंद जल्दी आते नहीं, क्योंकि उसमें जो एक स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चाहे आप कितना भी खिलाओ नहीं खा सकते। लेकिन ये अखरोट ऐसे हैं कि पतले छिलके और बहुत टेस्टी है, तो ये है घर लीजिए, मतलब पापा के ससुराल ले जाने के लिए से है। और वो जो पैकेट देखे थे, तो वो घर का, घर में रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अखरोट रखे हुए मैंने बताया कि कुछ कुछ चीज़ें वो बहुत सारी रखी हुई है, फिर भी इन्होंने ये कि जा रहे हैं तो ले लेते हैं, क्योंकि इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है फिर, और यूज़ करना भी ऐसा है कि करते रहो तो अच्छा, रख नहीं सकते। तो ये अखरोट तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये बादाम ले ली, आलमंड, जो कि रात में भिंगो के सुबह खाते हैं हम सब, थोड़ी सी बची थी तो इन्होंने ये लेके आ गए हैं। अब मेरे को मतलब आगे उसके वैसे ही करना। और ये मीठी सौंप ले आए, जो कि मैं आगे बताऊंगी, मैं मिक्स करती हूँ सौंप के साथ। मेथी दाना ले आए हैं पाउडर बना के और खाते हैं, जो कि फिनिश हो गया था, सोचे कि वो भी। तो आप देख रहे हैं इतना सारा सामान ये जो लेके आए, इस बार तो बहुत बहुत कम है, नहीं तो इससे कई गुना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जो इस बार मैंने इनको ज़्यादा लाने नहीं दी, हर चीज़ मना करी। और केवड़ा जल ले आई थी, जो कि ख़त्म हो रहा था,
मना की नहीं चाहिए, नहीं है, ज़रूरत क्या है, बहुत सारी चीज़ें खा खा के बोर हो जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि बच्चे भी जैसे अपन दो तो नहीं खाते हैं बहुत सारी चीज़ें, ऐसा है तो फिर क्या मतलब है लाने से। तो मैं ज़्यादा नहीं लाती, जो यूज़ होता है ख़त्म होता है वही मैं लेके आती हूँ। और ये तो इनको तो ऐसा है कि बस मतलब हम लोग को कोई कमी होने नहीं देते किसी चीज़ में, जो भी ज़रूरतें हैं बस ले लो और यूज़ करो, खाओ पियो अच्छे से रहो, इस तरीके से रहता है इनका। तो ये सारा सामान आप लोग देख रहे हैं जो कि मैंने इस बार लेके आई हूँ, कुछ घर ले जाने का, कुछ हम लोग के घर रखने का है। तो काफ़ी अच्छा, अच्छी क्वालिटी का अच्छा सामान लेके आए हुए हैं। और मैं दिखाती हूँ फिर इनको मैं जार में किस तरीके से रखती हूँ। मुझे कांच वाले ये जो जार हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं, जैम की बॉटल हो या किसी की भी, इस तरीके से मैं उसमें कांच की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, परफॉर्मेंस में उसको ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि मुझे प्लास्टिक के जो बॉक्स है वो जार बिल्कुल पसंद नहीं आते, मुझे कांच के ही आते हैं, मैं इनमें ही रखना पसंद करती हूँ, ट्रांसपेरेंट हो तो और मतलब उसी में ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुनक्का रख दी हूँ मैंने, किशमिश रख दी, बादाम, काजू, इस तरीके से सारा मैंने रख दी हूँ। ये कोकोनट मैं कितना अच्छा, आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत इतना खाओ तो बहुत ऑयल निकलता है। और इनको सब कुछ चीज़ों को फ्रिज में रख दूंगी। और ये अखरोट जो कि पतले छिलके वाला है, अंदर से निकलता, फट से फूट जाता है और ईजिली फूट जाता है और बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए सौंफ में मैंने मीठी वाली सौंफ मिक्स करके और ये बाहर रख देती हूँ, और ये कुछ बच गई है तो इसको मैं अलग डिब्बी में रख लूँगी। इस तरीके से मेरी ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग हो गई, मैंने अरेंज भी कर दी हूँ। अब जो मतलब कुछ बचा है उनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ख़राब वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो ये सब देखना होता, पता नहीं चलता कब उनमें मतलब उनको काजू वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए, पता नहीं रहता, इसलिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।